नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। तो आज हम बनाएंगे माता रानी के भोग में लगने वाले चने, जिसकी कि एकदम प्रॉपर और परफेक्ट रेसिपी है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बनाएंगे सूजी का हलवा और पूरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप चनों को, ये काले वाले चने होते हैं अपने देसी चने, तो इन्हें मैंने भिगो कर रख दिया था। तो 4 से 5 घंटे में ही एकदम बढ़िया तरीके से जो चने हैं ये भीग चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे बॉईल कर लेंगे। अब इन चनों को आप कुकर में डाल दें। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और 2 सीटी में ये चने हमारे एकदम बढ़िया तरीके से उबल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम एक कटोरी में इसका मसाला तैयार करना है, तो 2 चम्मच हम यहाँ पर इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इन सूखे मसालों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक घोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। पहले हमें तेल डाल लेना है, तो लगभग 3 से 4 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। इसके बाद जीरा और राई डालेंगे, थोड़ा करी पत्ता और हरी मिर्च। और अब ये जो मसाला हमने भिगो कर रखा था, तो इसे अब हम डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को हमें अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज होने के बाद अब हम 2 छोटे टमाटर को कट करके इस ग्रेवी में डाल देते हैं। तो अब ग्रेवी हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुकी है। कुछ देर हमें इसमें चने डालकर भी इसे पकाना होगा। तो देखिए, ये जो चने हैं हमारे काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन चनों को इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। इस सब्ज़ी में ज़्यादातर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसीलिए हमने भी इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अब चने डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला दें। और अब इसमें पानी ना डालें, आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से स्टीम में पकने दें। तो देखिए, जब तक आपकी सब्ज़ी बनती है तब तक आपका हलवा भी फटाफट से बन जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई रख देना है और कढ़ाई में आप घी ऐड कीजिए। अब 5 चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें घी डाल दिया है। घी के हल्के से ही गर्म होते ही अब हम इसमें 1/2 कप जितनी सूजी डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। ध्यान रहे कि फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, वरना जो सूजी का जो हलवा होता है वो दानेदार नहीं बन पाएगा। तो लगातार यूँ चलाते हुए हलवे को आप लो टू मीडियम फ्लेम पर भूने। और इसी दौरान आपको क्या करना है कि एक साइड ना 1 गिलास जितना पानी आपको गर्म करके रख लेना है, क्योंकि गर्म पानी जब हम इसमें डालते हैं तो ही रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए, 5 से 6 मिनट बाद बढ़िया सी महक आना स्टार्ट हो जाती है और हल्का सा यहाँ पे ना कलर भी चेंज होने लग जाएगा। तो इस स्टेज पे अब हमें क्या करना है, मैंने बादाम और इलायची दोनों ही चीज़ों को यूँ साथ में इस तरह से कुछ कूट लिया था, तो अब हम इसे डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे चलाएंगे। और अब बारी है इसमें गर्म पानी ऐड करने की, तो गर्म पानी अब हम इसमें ऐड करते हैं। और इसे कंटिन्यूसली हमें इस तरह से चलाते रहना है। सूजी जो है वो सारा पानी इस तरह से सोख लेगी। फ्लेम को आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अब हलवे को हमें अच्छे तरह से मिक्स करना है। थोड़ा जब ये यहाँ पे ड्राई हो जाए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1/2 कप शक्कर डाली है, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी प्लीज़। बट 1/2 कप आप इसमें शक्कर डाल दें, यानी कि जितनी मात्रा में आप सूजी लें उतनी ही मात्रा में आपको इसमें शक्कर ऐड करना है और इसे कंटिन्यूसली अच्छी तरह से यूँ चलाते रहें। शक्कर डालने के बाद ना थोड़ा हलवा जो है लिक्विडी सा होने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसे मिक्स करेंगे तो शक्कर ना अच्छे तरह से इसे ऑब्जर्व कर लेगी। ये देखिए इस तरह से। तो अब जब हलवे का पानी अच्छी तरह से सूख जाए, तो गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर लेना है और इसे अब आप अच्छी तरह से यूँ कवर कर दीजिए। तो कुछ देर के बाद जो सूजी है बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी। और अब फटाफट हम पूरियाँ तल लेते हैं। तो ये देखिए, हलवा भी हमारा स्टीम में एकदम बढ़िया सा दानेदार हो चुका है।
और ये रही हमारी चने की सब्जी, जिसने कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मसाले को सोख लिया है और बढ़िया एकदम सॉफ्ट से चने ये हो चुके हैं। तो लीजिए, लग चुके हैं हमारी भोग वाली थाली। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।